उत्तर प्रदेश के सबसे धार्मिक शहर और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माने जाने वाले मथुरा में विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मथुरा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह आरोप है मंदिर प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों के नमाज पढ़ने की घटना पर विवाद बढ़ गया है। मंदिर प्रशासन की शिकायत पर फैजल खान और उसके दोस्त के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के लोग हैं। इन्होंने नमाज पढ़ने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मंदिर प्रशासन ने आरोप लगाया है कि लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ते हुए अपने फोटो भी खींचे और उन फोटो को वायरल कर दिया, जिससे सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। मंदिर की शिकायत के अनुसार यह मामला 29 अक्टूबर का है। मंदिर में 4 लोग आए, 4 में से 2 लोगों ने मंदिर के कर्मचारियों को गुमराह किया। इन दोनों ने मंदिर में नमाज अदा की और उसके फोटो वायरल कर दिए। इस कृत्य से हिंदू समुदाय की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है और हिंदू समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई हैं। मंदिर प्रशासन ने शिकायत करते हुए इस केस की जांच की मांग की है। जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि कहीं इस काम के लिए विदेशों की फंडिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं इस फोटो का मकसद कुछ और तो नहीं है। आपको बता दें कि मथुरा में यह विवाद उस समय पैदा हुआ जब इस महीने की कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही मस्जिद के मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। हाल ही में मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद गरमाया है। मथुरा में हिंदुओं के कई संगठनों ने शाही मस्जिद को हटाने की मांग की है और उस जगह को मंदिर को सौंपने के लिए कहा है। यह पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू समाज, मंदिर प्रशासन और हिंदू संगठनों में गुस्से का माहौल है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।